एक बार फिर से बड़ा मुकाबला खेला जाना है जिसमें विश्व कप 2023 की दो चोकर्स टीम आपस में टकराने वाली है। जी हाँ, विश्व कप के 20वें मुकाबले में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका आपस में भिड़ने वाला है। दोनों टीम को उनके पिछले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। सबसे बड़ी बात कि दोनों ही टीम को ऐसे टीम से हार का सामना करना पड़ा जो कि एक टैलेंटेड टीम। जी हाँ, इंग्लैंड को अफगानिस्तान से 69 रनों से हराया। जी हाँ, इंग्लैंड को अफगानिस्तान ने 69 रनों से हराया। उसके बाद साउथ अफ्रीका को नीदरलैंड ने 38 रन से मात दी। तो अब कौन सी टीम इन दोनों में से बाजी मारेगी, यह भी देखने वाली बात होगी। तो आइए वीडियो के जरिए आपको बताते हैं इन दोनों टीम के बारे में। आपको पता हो कि दोनों टीम के बल्लेबाज इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में हैं। एक तरफ जहां क्विंटन डीकॉक, रसिवेंदर दुसैन, एडन मार्करम है, तो वहीं दूसरी तरफ डेविड मलान, जो रूट जैसे अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं। इस मुकाबले में विकेट कितना गिरेगा यह तो पता नहीं, मगर रन बनने के आसार काफी ज्यादा है। यह मुकाबला हाई स्कोरिंग होने वाला है और इस वक्त साउथ अफ्रीका अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है, जिसे दो जीत और एक हार का सामना करना पड़ा। वहीं इंग्लैंड पांचवें स्थान पर है, जिसे अब तक दो हार का सामना करना पड़ा है और बस एक मुकाबले में जीत मिली। डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड के ऊपर इस मुकाबले में ज्यादा प्रेशर रहने वाला है, क्योंकि यह टीम जीत हासिल कर चाहेगा कि वो अपना स्थान कम से कम टॉप चार में बना ले। दोनों टीम की आंकड़े की बात करें तो अब तक 69 मुकाबले दोनों के बीच खेले गए हैं, जिसमें से 33 साउथ अफ्रीका ने और 30 इंग्लैंड जीत चुका है। वहीं विश्व कप में दोनों देश के बीच 7 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 4 इंग्लैंड और 3 साउथ अफ्रीका ने जीत हासिल की। तो इंग्लैंड का पलड़ा यहाँ पर ज्यादा भारी था। तो अब देखने वाली बात होगी कि कल कौन सी टीम जीत की पटरी पर लौटती है। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी भी जबरदस्त है, वहीं इंग्लैंड की गेंदबाजी में मार्कवुड को लय फिर से पकड़ना होगा। उनकी गेंदबाजी में जितनी पेस है उतनी ही रन भी वो खाते हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम कल के मुकाबले में जीत हासिल करेगी? आपका कमेंट जो भी हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आगे क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही और भी अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।